नमस्कार दोस्तों, यदि आपके भी फ़ोन में आप किसी को कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद में तुरंत आपका कॉल एंड लिख के आ रहा है, अगर आपको ये समस्या आ रही है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या आपके फ़ोन में ऐसी समस्या आ रही है कि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपकी आवाज़ कट कट के आती है, यानी कि आपकी वोल्टी जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं है, और अगर आपका वोल्टी ऑप्शन सिलेक्ट है फिर भी आपको जो समस्या आ रही है, आपकी आवाज़ साफ़ सुथरी नहीं आ रही है, तो उसमें क्या कारण होते हैं जिससे आपकी कॉल साफ़ सुथरी नहीं बात हो पा रही, जबकि आप किसी अच्छे इंटरनेट के ऑप्शन पे आप उपलब्ध हैं और आपका पास से नेटवर्क फुल आ रहे हैं, आप जो इंटरनेट भी आपका सही है, फिर भी आपको सही साफ़ सुथरी अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो उसके क्या कारण होते हैं और आपके कॉल क्यों कट जाती है, कॉल एंड की प्रॉब्लम तुरंत क्यों आती है, तो इसके लिए आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले आपको अपने ऑप्शन में फ़ोन में जाकर वोल्टी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जिस सिम से आप नेट चलाते हैं और जिस सिम से आप कॉल कर रहे हैं तो उसमें सिम में नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, या आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। दूसरे सिम में भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको जो है उसी सिम में जा कर के सिम के ऑप्शन में जाकर सेटिंग में जाना होगा। आइए चलते हैं कैसे इसको वोल्टी को ऑन करते हैं। और अगर आपने वोल्टी को ऑन कर रखा होगा लेकिन फिर भी अगर आपकी क्वालिटी साफ नहीं आ रही है तो जी, क्योंकि वोल्टी में क्या होता है, कॉल की इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कॉल को जो है क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए वोल्टी का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। वोल्टी क्या करता है कि वोल्टी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपकी क्वालिटी, जो वॉइस की क्वालिटी है उसको सही किया जाता है। तो आपको जो है इंटरनेट को जब ऑन करेंगे और उसके बाद में वोल्टी का अगर ऑप्शन आपके मोबाइल में सिलेक्ट होगा तब आपकी कॉल की क्वालिटी बढ़ जाती है और साफ़ सुथरी आपको आवाज़ आने लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, जैसा कि हमने मोटो G60 से हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने वोल्टी का तो ऑप्शन सिलेक्ट आपके मोबाइल में पहले से ऑलरेडी है या आपने कर रखा है, लेकिन आपको फिर भी अगर आवाज़ साफ़ सुथरी नहीं आ रही तो उसका कारण ये हो सकता है कि वोल्टी के लिए जो आपने अनुमति दे रखी है कि इंटरनेट यूज़ करने की, वो वाईफाई के थ्रू दे रखी है, यानी कि जब आपकी जो वोल्टी का ऑप्शन जो इंटरनेट यूज़ करेगा वो वाईफाई वाला इंटरनेट यूज़ करेगा, जबकि आपने वाईफाई का इंटरनेट आप यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, आप मोबाइल के डेटा यानी सिम का इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं और आपने सेलेक्ट कर रखा है वोल्टी को कि आप जो है वाईफाई जब मैं चलाऊंगा तभी आप उसको डेटा यूज़ करेंगे, और जब तक वो डेटा नहीं यूज़ करेगा वोल्टी ऑप्शन, और तब तक आपकी क्वालिटी साफ सुथरी नहीं हो पाएगी वॉइस की। तो आइए समझ लेते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे अपनी क्वालिटी अच्छी, आवाज़ की क्वालिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेट का आपका जो आपका कॉल है वो कट, कॉल एंड की समस्या ना आए, इन सभी समस्याओं को कैसे ठीक करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में चले जाएंगे, और आपके मोबाइल में भी अलग तरीके का हो सकता है, हर एक मोबाइल में अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है, तो आप लोग अपने मोबाइल के सेटिंग में, सिम सेटिंग भी हो सकता है, नेटवर्क भी सेटिंग भी हो सकता है, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो आप जो है इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे, जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले अपने इंटरनेट की सेटिंग में जाएंगे, ऊपर सबसे इंटरनेट लिखा हुआ है उसको सर्च करेंगे, टच करेंगे। टच करने के बाद इंटरनेट की सेटिंग में जाने के बाद में ये साइड में आपको जो सेटिंग का आइकन बना दिख रहा है, जिस आपको जिस सिम से आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उस सिम का लिख के आ गया। जैसे मैंने एयरटेल में नेट चलाते हैं, एयरटेल से मुझे समस्या आ रही तो मुझे एयरटेल में देखना पड़ेगा, तो जैसे हम सेटिंग को टच करेंगे साइड में जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है इसको जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद में नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में देखिए इस तरीके लिखा है 4G कॉलिंग, ये आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा है कि 4G कॉलिंग लिख के आ रहा है। इधर वोल्टी भी आपका हो सकता है लिखा हुआ है, ये आपको 4G कॉलिंग इसको टच कर देना, सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो गया, हो सकता है आपके फ़ोन में वोल्टी ना लिख के आ रहा हो तो 4G कॉलिंग लिख के आ रहा है, और नीचे लिख के आ रहा है कि यूज 4G सर्विस टू इम्प्रूव वॉइस कॉल रिकमेंडेड, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोन में वोल्टी लिखा हुआ हो, तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में लिख के आ रहा है कि नीचे दिखा लिख के आ रहा है कि वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग को जैसे टच करेंगे ये देखिए इस तरीके से लिख के आ रहा है वाईफाई कॉलिंग, और वाईफाई कॉलिंग में नीचे अब नीचे जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं किया होगा तो इस तरीके से आएगा। अब आपको देखना है कि अगर एयरटेल में है तो एयरटेल में समस्या है तो पहले एयरटेल को सिलेक्ट करना है, अगर जियो में समस्या है तो जियो को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके। देखिए तो मुझे एयरटेल में समस्या है, मैंने एयरटेल की जो यूज वाईफाई कॉलिंग लिखा है इसको जैसे टच करेंगे तो इस तरीके से हरा आ जाएगा, और उसके नीचे लिख के तब आएगा जब आपने यूज वाईफाई कॉलिंग को टच किया, उसको अब नीचे आएगा कॉल प्रेफरेंस में, जब इसको नीचे वाले टच करेंगे इस तरीके देखो लिख के आ रहा है कॉल ओवर वाईफाई और कॉल ओवर मोबाइल नेटवर्क है, तो मुझे मोबाइल नेटवर्क को पहले मेरे इस तरीके सेलेक्ट था, फिर इसको नीचे वाले टच करके नीचे कॉल ओवर मोबाइल नेटवर्क इसको टच करेंगे इस तरीके देखिए। तो जब मैं फ़ोन करूँगा अभी एयरटेल से तो क्या होगा कि वाईफाई के थ्रू कॉल हो रही, लेकिन उसमें वाईफाई में जो डेटा यूज़ करेगा वो मोबाइल डेटा मेरा यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब आपकी ना तो कॉल कट होगी और ना ही आपको जो है
कॉल में आपको कट कट की आवाज़ आएगी, यानी कि साफ़ सुथरी आपको आवाज़ भी आएगी आपकी, और कॉल इंड की समस्या तो आपको आएगी ही नहीं। अगर ऐसी समस्या आपको आ रही थी तो बड़े आसानी से आपकी समस्या सॉल्व हो गई। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ना, क्योंकि आप लोगों को कितनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।